Hello everyone, welcome you all. Today in this class we are going to do very important topic of your CET TVS, that is animals. So animals related आपका NCERT based जितने भी question हैं वो हम इस class में करेंगे, और बार बार question जो हैं वो पूछे जाते हैं NCERT से. तो जितने भी question आपके exam में आए हुए हैं previous year में और जितने भी NCERT facts हैं वो सब हम इस class में करेंगे. तो most important class है आप लोगों के लिए, ठीक है. सारे question आपके NCERT से हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस मत कीजिएगा. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये आपकी NCERT की ही कटिंग है. इसमें लिखा हुआ है डू एनिमल सी कलर्स. इसमें लिखा है कि एनिमल जो हैं वो क्या सारे कलर देख पाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एनिमल जो हैं वो सारे कलर्स देख पाते हैं, ठीक है. एनिमल कैन नॉट सी एज मैनी कलर एज वी कैन. हमारे जितने कलर वो नहीं देख पाते जितने हम देख पाते हैं. और जो नाइट वाले जो एनिमल हैं जो नाइट को जगते हैं वो जो हैं वो चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट कलर में देख पाते हैं, ठीक है. तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि रात में जो एनिमल जगते हैं जैसे आउल है तो वो किस कलर में चीज़ों को देख पाते हैं. ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो किस कलर में देख पाते हैं आपके, ब्लैक एंड वाइट कलर में देख पाते हैं. और उतना कलर वो नहीं देख पाते जितने कि हम देख पाते हैं, ठीक है. दिन में जगने वाले एनिमल्स थोड़े से ज़्यादा कलर देख पाते हैं एज कम्पेयर टू नाइट, बट उतने नहीं जितने कि हम लोग ह्यूमन बींग देख पाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है आपका कि जानवरों की खाल पर जो डिज़ाइन होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, उनके बालों के रंग के कारण होते हैं, ड्यू टू द कलर ऑफ देयर हेयर्स, ठीक है. कि हर एक डिज़ाइन बने होते हैं एनिमल के स्किन पर अलग अलग टाइप के. आप देखोगे ज़ीब्रा के स्किन पर अलग पैटर्न बना होता है, तो किसकी वजह से बने होते हैं वो पैटर्न, उनके बालों की वजह से. क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है. दिन में जागने वाले जो जानवर हैं वो कुछ तो रंग देख पाते हैं, पर रात वाले जो है वो चीज़ों को सिर्फ सफ़ेद और काले में देख पाते हैं, जैसे उल्लू है, चमगादड़ है, ठीक है. और बहुत सारे जानवर होते हैं जो किसी खास मौसम में लंबी और गहरी नींद में चले जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जो अडेप्टेशन के लिए, ठीक है. अडेप्टेशन का जब मैं कंसेप्ट कराऊंगी तो आपको बताऊंगी कि अडेप्टेशन के लिए कुछ एनिमल जो है वो लंबी और गहरी नींद में चले जाते हैं. उसका रीज़न क्या है, जैसे बहुत ठंड के मौसम में आप देखोगे लिज़ार्ड आपको देखने को नहीं मिलती. क्यों नहीं मिलती, क्योंकि वो लिज़ार्ड जो है वो हाइबरनेशन में चली जाती है. हाइबरनेशन इन द सेंस डीप स्लीप में चली जाती है, ठीक है. ऐसे ही बियर भी है, भालू भी है, अपने आप को उस ठंडे एनवायरनमेंट में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, वो डीप स्लीप में चले जाते हैं, ठीक है. तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. नेक्स्ट है आपका स्लोथ. स्लोथ को तो आप कितना भी याद करो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे इसमें से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो, ठीक है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्लोथ के बारे में. ये आपकी सब एनसीईआरटी की कटिंग ही मैंने इसमें डाली हुई है. तो अगर स्लोथ की हम बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, ये एक टाइप का एर्बोरियल एनिमल है. एर्बोरियल क्या होते हैं, जो कि पेड़ों पर रहते हैं, ठीक है. और उल्टा लटक के लटका रहता है पेड़ पे, ठीक है. भालू जैसा दिखता है. सबसे पहले तो ये पूछा जाता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि किस एनिमल के जैसे दिखता है, तो किसके जैसे दिखता है, भालू के जैसे दिखता है. और ये करीब 17 घंटे पेड़ों पर लटक कर सोता है, ठीक है. दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 में से ये 17 घंटे जो है वो क्या करता है, सिर्फ सोता है, ठीक है. और 40 वर्ष का इसका एवरेज लाइफ होती है, उसमें सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमता है. तो बहुत लेजी टाइप का एनिमल है कि सिर्फ 8 पेड़ों पर ही जाता है, इधर उधर ज़्यादा नहीं घूमता, ठीक है. और सप्ताह में एक बार सोच के लिए नीचे उतरता है, यानी कि वीक में सिर्फ वंस अ वीक इट कम डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ, ठीक है. कि अपने आप को फ्रेश करने के लिए सिर्फ एक बार ही हफ्ते में पेड़ से नीचे आता है, और उसी पेड़ के पत्ते खाता है जिस पे ये रहता है. तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये स्टेटमेंट आपसे दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी ठीक है स्लोथ के बारे में या करेक्ट है. तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं क्वेश्चन भी आपको कराऊंगी, ठीक है. तो अभी हम सिर्फ थ्योरी देख लेते हैं, फिर हम प्रीवियस क्वेश्चन और MCQ भी करेंगे, ठीक है. तो स्लोथ के बारे में याद रखना है कि भालू जैसा दिखता है, उल्टा लटक कर सोता है और 8 पेड़ों पर घूमता है अपनी 40 वर्ष की एवरेज लाइफ में, ठीक है. और उसी पेड़ के पत्ते खाता है जिस पे रहता है. नेक्स्ट है आपका, ये जो है स्लीपिंग आवर दिए हुए हैं, ठीक है. ये कौन सा एनिमल जो है वो कितने घंटे सोता है, ये भी आपके NCERT से ही मैंने कटिंग डाली हुई है. यहाँ पे ये पूरा दिखाएगा कौन कितने घंटे जागता है, कितने घंटे सोता है, ठीक है. वो पूरा प्रोसेस है, ये हम यहाँ से देख लेते हैं कि काऊ जो है वो कितने घंटे की नींद देती है, तो वो 4 घंटे सोती है. जिराफ जो है वो 2 घंटे सोता है. पाइथन की अगर हम बात करें तो वो 18 घंटे सोता है. और कैट जो है वो 12 घंटे सोती है. तो ये कुछ एनिमल की नींद के बारे में आपकी बुक में दिया हुआ है जो आपको पता होना चाहिए. एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, काऊ जो है वो 4 घंटे सोती है, जिराफ 2 घंटे सोता है, पाइथन जो है वो 18 घंटे सोता है, और कैट जो है वो 12 घंटे सोती है, ठीक है. उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये डॉग के बारे में, ये भी NCERT से लिया गया है. इसमें लिखा हुआ है कि कुत्ते जो होते हैं, डॉग जो होते हैं, वो अपना एरिया चिन्हित करते हैं. कैसे करते हैं, अपनी मूत्र और पोटे की गंध से. यानी कि वो जैसे ये वाला एरिया है, ये उनको अपना एरिया डिसाइड करना है, तो वो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अपनी
पोटी की या सुसु की करके अपना एरिया डिसाइड करते हैं कि जहाँ जहाँ तक उन्होंने ये सब किया वहाँ वहाँ तक उनका एरिया है, फिर वो किसी और डॉग को उसमें एंटर करने नहीं देते, ठीक है। और उस अपनी स्मेल से ये पहचान लेते हैं कि हमारा एरिया है, ठीक है। तो ये ऐसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉग जो है वो अपनी एरिया कैसे डिसाइड करते हैं, तो कैसे डिसाइड करते हैं, अपनी मूत्र और पोटे की गंध से। नेक्स्ट है आपका ये साउंड के बारे में बताया गया कि जो साउंड होते हैं एनिमल की वो डिफरेंट डिफरेंट साउंड निकालते हैं अलग अलग सिचुएशन में। जब वो खुश होते हैं तो उनकी एक अलग साउंड होती है, जब वो दुखी होते हैं तो अलग साउंड होती है। जैसे आपने देखा होगा कि एनिमल जो हैं उनकी सेंसिंग पावर हमारे से बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कोई भी अर्थक्वेक है या कोई सुनामी है, इस टाइप की कोई नेचुरल क्लैमिटीज़ अगर आती है तो हम ह्यूमन बींग से पहले जो है एनिमल्स को उसके बारे में पता चलता है। जैसे आपने देखा था इन 2004 में जब सुनामी आई थी तो वहाँ की जो फिश थी, वहाँ के जो एक्वेटिक एनिमल थे, उन्होंने अलग टाइप से बिहेव करना शुरू किया था, ठीक है। अंडमान आइलैंड में अलग टाइप से बिहेव करना शुरू किया था। इसका रीज़न क्या है कि वो वाइब्रेशन उस करंट को जो है वो जल्दी फील करते और एक अलग टाइप का व्यवहार करना शुरू कर देते, अलग टाइप की साउंड क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्वालिटी होती है एनिमल्स में। और अगर हम बात करते हैं जैसे लंगूर है वो क्या करते हैं, वो अगर किसी एनिमी को देखते हैं तो डेंजर के टाइम में अलग साउंड निकालते हैं, जब वो खुश होते हैं तो अलग टाइप की साउंड निकालते हैं। ऐसे ही फिश जो है वो अलार्म क्लॉक के जैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल देती है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि फिश जो है वो कैसे सिग्नल देती है, तो किसके थ्रू देती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल देती है किसके थ्रू, लाइक वाइब्रेशन से जनरेट करती है फिश, ठीक है। तो ऐसे एनिमल जो है वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट काइंड के सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, उनकी सेंसिंग पावर एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जैसे भूकंप आया था, ये सब आपकी बुक में लिखा हुआ है कि गुजरात भुज में जब 2001 में भूकंप आया था तो बहुत सारे एनिमल्स जो थे उन्होंने अजीब अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी थी, ठीक है। और जिसकी वजह से जो थे वहाँ के जो मछुआरे थे या जो आसपास के लोग थे उन्होंने एनिमल्स के एक्वेटिक एनिमल्स जो उनके बिहेव से को देख कर अपने आप को एक सेफ प्लेस पर जो है वो पहुँचा दिया था, ठीक है। तो जानवरों के देखने और महसूस करने की शक्ति जो है वो ज़्यादा होती है हमारे से, ठीक है। उसके बाद आता है कि डॉल्फिन भी अलग अलग प्रकार की आवाज़ निकालती है जो एक दूसरे से बातें करती हैं, ठीक है। और बाहरी कान, अब ये होता है कि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन जानवरों के बाहर कान होते हैं और जिनके बाल हमें दिखते हैं बाहर, वो क्या करते हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं। और जिनके कान हमें बाहर नहीं दिखते या फिर बाल हमें नहीं दिखते वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे पिजन के हमें कान होते हैं बट हमें नहीं दिखते ना, और ऐसे ही उनकी आईज़ हमें क्या मतलब सॉरी आईज़ नहीं, उनके बाल हमें नहीं दिखते तो वो क्या करते हैं, वो एग ले करते हैं। बट अगर हम अपना देखें, काओ का देखें, मंकी का देखें, तो वो क्या होते हैं, उन सबके बाल हमें दिखते हैं, उनके कान बाहर की तरफ होते हैं जो कि पूरी तरह से विजिबल होते हैं। तो जिनके कान बाहर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं। और जिन जानवरों के भारी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं। उसके बाद आपका है हम जानवरों को क्यों मारते हैं, ये भी क्वेश्चन है आपके उसमें से लिया गया है कि अलग अलग जानवरों को जो है वो अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य जो मार देता है, किस जानवर को किसके लिए मारता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे हम देते हैं हाथी को उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है, ठीक है। एलिफेंट के अगर हम देखते हैं तो उसके जो टस्क होता है उसका वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, उससे आभूषण वगैरह बनाए जाते हैं तो उसको उसके लिए मार दिया जाता है। गैंडे को उसके सींग के लिए मार दिया जाता है। शेर मगरमच्छ सांप है जो इनकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं तो इनके लिए मार दिया जाता है। हिरण जो है उसकी कस्तूरी हिरण जो उसको उसको उसकी खुशबू के लिए मार दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में आते हैं किस एनिमल को किस बेनिफिट के लिए जो है वो मार दिया जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने अच्छे से याद रखनी, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है हाथी का, ठीक है। एलिफेंट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एलिफेंट की अगर हम बात करते हैं तो एक बड़ा हाथी जो है वो 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, ठीक है। एग्ज़ाम में आता है स्टेटमेंट दे दी जाती है इसमें से पूरी, ठीक है, कि एक बड़ा एलिफेंट जो है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे दी जाती है, फिर आपने बताना है कि कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है, वो हम करेंगे तो आपको बताऊँगी। बट अभी देखो कि एक एलिफेंट जो है वो कितना 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, ठीक है। बहुत कम आराम करता है और एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है, ठीक है। तो एलिफेंट जो है वो कितना सोता है, सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोता है।
और हाथी और को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है, क्योंकि उससे उसके शरीर को क्या होती है, ठंडक मिलती है, और उसके कान जो होते हैं वो एज अ फैन अपने कानों को यूज़ करता है, ठीक है, गर्मी आने पर उसको क्या करता है वो हिलाता है। और हाथी जो है वो किस में रहता है, झुंड में रहता है, ठीक है। ये तो हाथी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ठंडक उसको मिलती है जब वो कीचड़ में रहता है, ठीक है, और पंखे की तरह अपने कान यूज़ करता है। और 3 महीने का हाथी 200 किलो का होता है, ठीक है। तो 3 मंथ का जो एलिफेंट होता है उसका जो है वो कितना होता है, 200 kg का होता है, और एक एलिफेंट जो है वो 100 kg, ठीक है, 100 kg जो है वो क्या खा लेता है, घास खा लेता है। तो इन चीज़ों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि 100 किलो घास थी या 3 मंथ का जो बेबी है उसका वेट था, तो इनमें कभी कभी हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। और हाथी जो है वो बहुत कम आराम करता है, 2 से सिर्फ 4 घंटे ही सोता है, ठीक है। तो ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं सारी चीज़ें जितनी बता रही हूँ आपको। उसके बाद आता है कि एलिफेंट ईच हाथी जो है परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, और हाथी जो है झुंड में रहते हैं, लेकिन झुंड में जो रहते हैं मेल नहीं रहते, झुंड में जो रहता है सिर्फ फीमेल और बच्चे, ठीक है, फीमेल और चाइल्ड, मतलब हाथिनी और बच्चे ही रहते हैं, और एक झुंड में 10 से 12 हाथिनी और बाकी जो है वो सारे बच्चे होते हैं। तो मतलब याद रखना है, हाथी झुंड में तो रहता है लेकिन झुंड में मेल नहीं रहता, फीमेल और चिल्ड्रंस ही रहते हैं, ठीक है। और झुंड है, झुंड का जो नेता होता है वो कौन होता है, जो सबसे बुज़ुर्ग होती है फीमेल एलिफेंट, वो जो है वो क्या होती है, झुंड की नेता होती है। और 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, और फिर जो है वो झुंड छोड़कर चला जाता है। ये सारी स्टेटमेंट आपने एलिफेंट के बारे में याद रखनी है, क्योंकि स्टेटमेंट पूछी जाती है, फिर इनमें से पूछ लिया जाता है कौन सी गलत है, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं टाइगर, ये भी आपके एनसीईआरटी की कटिंग डाली हुई है मैंने, टाइगर के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हम देख लेते हैं। टाइगर की हम बात करते हैं तो बाघ जो है वो हमेशा हमारे से 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। अब क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बाघ जो है वो हमारे से कितने ज़्यादा गुना दिखता है, तो कितने ज़्यादा गुना दिखता है, 6 गुना ज़्यादा दिखता है, ठीक है। बाघ की जो विस्कर्स होती हैं, मूछें होती हैं, ये देखो ये जो होती है ना विस्कर्स, ये यहाँ पे दिख रही है आपको वाइट वाली, ये जो विस्कर्स होती हैं इनमें सेंसिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, स्मेल करने की पावर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये जो है वो कंपन से ही जो है, मूछें हवा में हुई कंपन से ही भाप लेती हैं कि वहाँ पे जो है, जैसे घास में अगर कोई कंपन हुई है तो इनको पहले से ही पता चल जाता है कि वो हवा की वजह से घास ही लिए या फिर वहाँ पे कोई दूसरा जानवर बैठा है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मतलब इनकी सेंसिंग पावर होती है। और ये भी अपनी जो है, बाघ भी जो है वो अपनी मूत्र की गंध से जो है अपना एरिया डिसाइड करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो, जैसे फीमेल है या फीमेल है, एक दूसरे को मीटिंग के लिए ढूंढते हैं, तो किसकी वजह से, उनकी जो यूरिन की स्मेल है उसी से जो है एक दूसरे को पहचानते हैं, ढूंढते भी हैं, ठीक है। तो 6 गुना ज़्यादा दिखता है, और उनकी जो सेंसिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है। और अगर हम बात करते हैं तो बाघ मौके के अनुसार अपनी जो आवाज़ है उसको भी बदल लेता है, ठीक है। और 3 किलोमीटर तक गुर्राने की आवाज़ सुनती है, कि बाघ जब गुर्राता है, ठीक है, जो उसके रोर होती है करता है, तो उस टाइम पे 3 किलोमीटर तक उसकी जो साउंड है वो आपको सुन सकते हैं। और सबसे अलग बात जो है, इनमें दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। जैसे हम अगर देखें तो, जैसे नॉर्मली क्या होते हैं, कान एक ही साइड में होते हैं अगर हम गर्दन मूव करते हैं, लेकिन बाघ के कान क्या होते हैं कि एक साइड, दोनों ही कान अलग अलग दिशा में घूम जाते हैं, ताकि वो साउंड को जल्दी इजीली जो है वो पहचान सके, ठीक है। तो ये थे बाघ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। उसके बाद आता है बबून। बबून जो होता है लंगूर, पेड़ पे रहते हैं, अर्बोरियल एनिमल है, ठीक है। और अलग अलग सिचुएशन में जो है वो अपने साथियों को, जैसे कोई अगर परेशानी है उनको, तो अलग साउंड निकालते हैं, नॉर्मल है तो, खुशी है तो वो अलग साउंड निकालते हैं। तो ये साउंड के बारे में है उनका। उसके बाद रैट की बात करते हैं। रैट जो है इनका बहुत पुअर विज़न होता है, ठीक है, चूहों को दिखता नहीं है, दिखता है मतलब बहुत कम दिखता है, लेकिन इनकी जो स्मेल पावर होती है ना वो बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने देखा होगा किचन में फट जाके खाने के पास ही पहुंच जाते हैं, दिखता नहीं है लेकिन फिर भी पहुंच जाते हैं, रात को निकलते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी स्मेल पावर बहुत ज़्यादा होती है, इनको सूंघ के पता चल जाता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, ठीक है। ऐसे ही अगर क्रोकोडाइल की बात करते हैं, एलिगेटर जो है इनके स्मॉल होलो ईयर्स होते हैं, और जो कि विजिबल नहीं होते इजीली। अगर आप मगरमच्छ देखेंगे तो बिल्कुल डॉट डॉट से लगे होते हैं दोनों साइड, जो हमें दिखते नहीं है, बट कान इनके होते हैं।
उसके बाद लिजार्ड की बात करते हैं, लिजार्ड के भी स्मॉल ईयर होते हैं और लिजार्ड जो है वो एक हाइबरनेशन में चली जाती है, डीप स्लीप में, ठीक है, एक पर्टिकुलर सीज़न के लिए, पूरा पूरा सीजन जो है लिजार्ड सो जाती हैं, ठीक है, जैसे ठंड में देखेंगे कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, ठंड में सो जाती हैं और पूरा सीजन जो अपने आप को उस ठंड से बचाने के लिए, अडेप्टेशन करने के लिए सो जाते हैं। ऐसे फिश की हम बात करें, कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक वेव जो जनरेट करती हैं डेंजर के टाइम में। और स्क्विरल जो है, इसके दांत जो गिलहरी होती है, इसके दांत जो हैं पूरी उम्र बढ़ते हैं, ठीक है, पूरी लाइफ टाइम बढ़ते हैं, लेकिन वो कैसे घिसते हैं, जब वो कुतरती है चीज़ों को तो उस टाइम पे जो उनके दांत हैं वो घिस जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कैट की बात कर लेते हैं। कैट जो है, इसके भी क्या होते हैं, शार्प टीथ होते हैं, क्योंकि वो मीट जो कार्निवोरस होते हैं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कार्निवोरस जो होते हैं उनके इंसीजर और कैनाइन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि इनको मीट को चीर फाड़ करने के लिए, जैसे टाइगर है, लायन है, कैट है, तो इनको उनके दांत जो हैं वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, ठीक है। और जो हर्बीवोरस होते हैं उनके टीथ कैसे होते हैं, उनके बाउंड एंड कंपाउंड होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादातर घास फूस पत्ते ही खाते हैं। उसके बाद स्नेक, स्नेक जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। स्नेक की अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली चार टाइप के स्नेक्स की बात की गई है, ठीक है, केवल चार तरह के जो सांप ही जहरीले होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नाग, ठीक है, दुबोई, क्रैथ और अफाई, ठीक है, चार टाइप के जो स्नेक होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं जो कि जहरीले होते हैं, ठीक है, तो इनके नाम आपने पता होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी जो दवाई होती है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी जो दवाई होती है उसको हम बोलते हैं सिरम, जो किससे बनाई जाती है, सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ठीक है, और जो सांप जो सपेरे होते हैं उनको बोलते हैं काल बेलिया, ठीक है, काल बेलिया, ये मैं आगे दिखाती हूँ, सही नहीं लिखा जा रहा, ठीक है, तो ये सिरम नाम की दवाई होती है, ठीक है, जो किसकी होती है, सांप के जहर से ही बनाई जाती है सांप को काटने के लिए। चार टाइप के नाग, क्रैथ, दुबोई और अफाई, इनके नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए। और जो स्नेक होते हैं वो अपने शिकार को कभी भी चबा के नहीं खाते, वो पूरा स्वेलो करते हैं, पूरा घटक जाते हैं एक बार में, ठीक है। और इनके भी क्या होते हैं, भारी कान नहीं होते, बट इनको वाइब्रेशन जो है वो ज़्यादा सुनती है, ज़मीन से जरा सी कंपन को भी ये सुन लेते हैं, ठीक है। और जो सपेरे होते हैं उनको हम बोलते हैं कालबेलिया, ठीक है, सपेरों को क्या बोलते हैं, कालबेलिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सांप जो है वो कहीं ना कहीं किसान की हेल्प भी करता है चूहों से बचाने में, ठीक है, तो जैसे अगर किसी खेत में बहुत सारे चूहे हैं तो और वहाँ सांप है तो कहीं ना कहीं चूहों को खा के जो है वो किसान की मदद भी करता है। सांप सुन नहीं पाते, वो केवल बीन के हिलने की आवाज़ ही सुनते हैं, मतलब वाइब्रेशन सुनते हैं और उस पर डांस करते हैं, ठीक है, कभी कभी हमें लगता है कि भाई बीन सुनकर, लेकिन बीन सुनकर नहीं, उसकी वो वाइब्रेशन जो उसमें से निकलती है उसको फील करते हैं वो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अर्थवर्म, अर्थवर्म जो है इसको हम किसान का मित्र बोला जाता है, ठीक है, किसान का अगर मित्र किसको बोला जाता है तो केंचुए को बोला जाता है, ठीक है। केंचुए जो है ज़मीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम बना देते हैं और इससे क्या होता है, हवा और पानी जो है वो इजीली उसमें पास थ्रू हो जाता है, मतलब मिट्टी को इसे कर देते हैं ना, खोखली से बना देते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, किसान का मित्र बोला जाता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर, ठीक है। और इनसे जो है वो केंचुए की खेती भी की जाती है, केंचुआ पालन, जिसको हम बोलते हैं वर्मी कल्चर, ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद चींटियों की बात करते हैं हम। चींटी जो हैं, एंट लिव टुगेदर एंड द वर्क ऑफ एंट कीप टेलिंग, जो चींटियाँ होती हैं वो मिलजुल कर काम करती हैं, ये भी झुंड में रहती हैं, ठीक है, और रानी चींटी जो है वो अंडे देती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडे क्या सारी चींटियाँ देती हैं, नहीं, सिर्फ रानी चींटी ही अंडे देती है, इनमें इनके काम अलग अलग डिवाइड किए होते हैं, ठीक है, कुछ जो है जैसे रानी चींटी का काम अंडे देना होता है, वर्कर भी जो है वो क्या करती है, वो काम करती है, बिल बनाना, बाकी खाना ढूंढना, ये वर्कर है। फिर जो है पहरेदार भी चींटियाँ होती हैं जो देखती हैं कि कोई बिल में अंदर आए ना आए, तो उससे पहरेदारी का काम करती हैं, ठीक है। और चींटियाँ खाना खाने के लिए चीज़ों को अपने बिल में जमा कर लेती हैं और एक विशेष टाइप की गंध छोड़ती हुई चलती हैं चींटियाँ, जिससे एक चींटी दूसरी चींटी को पहचान लेती है कि ये यहाँ से गई है, तो एक अलग टाइप की गंध जो है वो छोड़ती हुई गई है, जिसे हमेशा देखा है ना, वो एक लाइन में चलती हुई, ठीक है, तो एक दूसरे की गंध को फील करती हुई पहचानती हुई चलती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं चींटियों के बारे में। उसके बाद आता है आपका सोशल पेस्ट। सोशल पेस्ट जो होती है वो क्या होती हैं, जो कि
हमेशा समूह में रहते हैं, ठीक है, एक ग्रुप में रहते हैं। जैसे आप चींटी देखिए, चींटी भी क्या है, एक टाइप की सोशल पेस्ट ही है, ठीक है, और टर्मिट है, वेस्प है, ठीक है, बी है, एंट है, ये सब क्या है, सोशल कीट है, जो कम्युनिटी में रहती है, कॉलोनी में रहती है, एक साथ रहती है, उनको हम सामाजिक कीट बोलते हैं, ठीक है। क्या आपने कभी स्पाइडर को देखा है, ग्रुप में रहते हैं, स्पाइडर हमेशा अकेले ही रहती है, तो स्पाइडर इज़ नॉट अ सोशल पेस्ट, ठीक है। तो सोशल पे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सोशल पेस्ट क्या होते हैं, तो सोशल पेस्ट वो होते हैं जो कि आपके ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके हम मॉस्किटो, मॉस्किटो की बात करते हैं, तो मच्छर जो है वो हमारे शरीर की गंध और पैरों के तलवों से हमारी गर्मी को पहचान, हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छरों को पता है ना जहाँ हम रहते हैं वहीं तुरंत आ जाते हैं, तो कैसे आ जाते हैं, वो जो है हमारी गंध से, स्मेल से जो है वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं। और डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया के जो जो है ये सारी बीमारियाँ किससे फैलती हैं, डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, चिकनगुनिया हुआ, ये सारी बीमारियाँ जो है वो मच्छरों से ही फैलती हैं। मच्छर जो है वो पानी में अंडे देते हैं, और मच्छरों से अगर हमें को फैलने से बचाना है तो हम क्या करते हैं, पानी में मिट्टी का तेल मिला देते हैं, ठीक है। और मिट्टी का तेल कैसे उनके प्रजनन को रोकता है कि जब हम पानी में मिट्टी का तेल जमा कर देते हैं तो वो उसकी सतह पर, पानी की सतह पर जो है फ्लोट करता है, और जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं जा पाती, और मॉस्किटो जो है उनका जो रिप्रोडक्शन, उनका जो प्रजनन है वो रुक जाता है। इसीलिए अगर आसपास पानी है तो उसमें मिट्टी का तेल मिला दिया जाता है। सो ये थी आज के क्वेश्चन, बाकी हम बाद में करेंगे, जिस में इस क्लास में मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए, यहाँ से क्वेश्चन 99% आते हैं, ठीक है। और आई होप यू लाइक द क्लास एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैंने अपनी इस चैनल पे बाकी भी बहुत सारे, मतलब मोस्टली सीटेट के जितने भी टॉपिक आपके यूनिट वन से बन रहे हैं सभी की वीडियो मैंने डाली हुई हैं, तो प्लीज़ आप जाके देख ली। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।